सोनीपत से जहां पे सरकारी अस्पताल में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है, जहां पर एम्बुलेंस की पासिंग कराने के नाम पर ये गड़बड़ी हुई है। एम्बुलेंस पासिंग के नाम पे 42,880 रुपए का गबन किया गया है। इसके अलावा अस्पताल के फ्लीट मैनेजर ऑपरेटर पर ये आरोप लगे हैं, पासिंग के समय पर्चियों में धांधली की गई है। सिविल सर्जन की कमेटी को जाँच में ये गड़बड़ी मिली है। तो एम्बुलेंस की पासिंग में आपको बता दें कि ये गड़बड़ी का ये मामला है। पासिंग के समय पर्चियों में धांधली की गई है। 44,880 रुपए की पूरी धांधली है। सोनीपत का नागरिक अस्पताल जहां पर ये बड़ा गड़बड़झाला हुआ, बताया जा रहा है कि रेफरल ट्रांसपोर्ट के तहत चलाई जा रही एम्बुलेंस की पासिंग कराने में 42,880 रुपए का गोलमाल किया गया। आरोप ये भी है कि अस्पताल के रेफरल ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुबंध पर कार्यरत फ्लीट मैनेजर और ऑपरेटर ने साथ मिलकर के इस वाहनों को पासिंग कराते समय सरकार से निर्धारित फीस की पर्चियों में धांधली की। अब सिविल सर्जन की तरफ से बनाई गई कमेटी ने जांच करके इस बात को यह माना कि गड़बड़ी भी आपको बता दें इस पूरे मामले में की गई है, और इसको लेकर उपायुक्त ने दोनों के सेवा अनुबंध को समाप्त कर दिया है। राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। राम सिंह, एम्बुलेंस की पासिंग के नाम पे 42,880 रुपए का गबन हुआ है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में बड़ा गड़बड़ झाला। राम सिंह, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में पिछले दिनों एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया था, और उसको लेकर एक जांच कमेटी 2023 में बनाई गई थी, और उसी के तहत अब ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, और जिसमें अनुबंधित से दो कर्मचारियों को अब पहले ही जांच के दौरान बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करना, धोखाधड़ी कर स्वास्थ्य विभाग में करीबन 42,880 रुपए का ये गबन किया था, और दोनों शख्स को लेकर लंबे समय से जांच चल रही थी, और दोनों पर ये अब आरोप जो है तय हो गए हैं, और इसी के तहत अब FIR दर्ज करा दी गई है, CMO की तरफ से दर्ज कराई गई है। हालांकि इससे पहले एक कमेटी जो है वो गठित की गई थी, और जिस प्रकार से अब ये पूरा मामला रेफरल ट्रांसपोर्ट विभाग में अनुबंधित फ्लीट मैनेजर परवीन और ऑपरेटर रवि जो है वो कार्यरत थे, और जिनको 18 दिसंबर 2023 को बैसवाल निवासी प्रदीप ने ईमेल के जरिए शिकायत दी थी। अब इस मामले इनको लेकर बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है। जी चलिए राम सिंह, बहुत शुक्रिया इस बातचीत जानकारी के लिए।